नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। हमने कई जगह धर्म और मजहब पर चर्चाएं सुनी हैं, कई जगह हमने बहस होते हुए भी देखा है। तो आखिर आपने कभी ये सोचा है कि धर्म और मजहब में क्या अंतर है? कैसे धर्म मजहब से अलग है? धर्म हमें क्या सिखाता है और मजहब हमें क्या सिखाता है? ये एक ऐसा पेचीदा बिंदु है जिस पर जवाब ढूंढना उतना ही मुश्किल है जितने कि आकाश में तारे गिनना। तो आज इस पेचीदे मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि धर्म जोड़ता है और मजहब तोड़ता है। धर्म इक्वलिटी बिफोर लॉ सिखाता है, धर्म डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है और मजहब ये सब काम करता है। यानी कि मजहब हमें डिस्क्रिमिनेशन करना सिखाता है। धर्म के सामने आस्तिक हो या नास्तिक समान है, दोनों को ही ये कहता है कि यम नियम का पालन करो और तुम मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। फिर तो धर्म और मजहब किस तरह अलग है, इस पर अश्विनी उपाध्याय ने और क्या कुछ कहा वो सुनिए। ऐसे कह सकते हैं कि धर्म जोड़ता है, मजहब तोड़ता है। धर्म समता, समानता, समरसता सिखाता है। धर्म इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन सिखाता है। धर्म इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ सिखाता है। धर्म डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है और मजहब ये सब काम करता है। धर्म कहता है आस्तिक हो चाहे नास्तिक, अष्टांग योग करो, यम नियम का पालन करो, तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो सकता है। मजहब कहता है जब तक कन्वर्ट हो, हमारे मजहब में नहीं आ जाओगे तब तक न तुम्हें जन्नत मिलेगी न हीवन मिलेगा, तुम जहन्नुम में जाओगे, हेल में जाओ। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन धर्म एंड रिलीजन। लेकिन आज मुझे खुशी है कि आपके बीच में हूं, दुख इस है कि मेरी 8:30 बजे की ट्रेन है और मुझे कोल्हापुर पहुंचना है सुबह सुबह। वहां एक कनेरी आश्रम है, वहां करीब 3,000 संत इकट्ठा हुए हैं, उसका कल पहला सत्र, मुझे वहां पे अपनी बात रखनी है। तो शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा करके अपनी बात रखता आगे से। जब भी मेरे कार्यक्रम में आइएगा तो अकेले मत आइएगा। जो लोग परिवार के साथ आए हैं उनको प्रणाम करता हूं, जो अकेले आके आए उनको केवल नमस्ते करता हूं। जो काम यहां पे मुगलों ने तलवार के दम पे किया था वो सारे काम अंग्रेजों ने कानून के दम पे किया। मुगल यहां पे न बिजनेस करने आए थे न सत्ता के लिए आए थे, मुगल आए थे इस्लाम को फैलाने के लिए। और ईस्ट इंडिया कंपनी भी कोई व्यापार करने नहीं आई थी, ब्रिटिश भी यहां सत्ता के लिए नहीं आए थे, वो आए थे क्रिश्चियनिटी को फैलाने। दुर्भाग्यवश जब हम स्वतंत्र हुए, स्वतंत्र मतलब स्वतंत्र, अपना तंत्र, स्वतंत्र दो शब्दों से मिल गया, स्वतंत्र यानी सेल्फ सिस्टम। तो 1947 में हम स्वतंत्र हो गए, ये अलग बात है, आज तक सारे तंत्र विदेशी चल रहे हैं, हमारा अपना तंत्र नहीं है। उसके बाद जिन लोगों ने यहां शासन किया उन्होंने मुगलों के भी काम को आगे बढ़ाया और अंग्रेजों के भी काम को आगे बढ़ाया। इस बात पे मैं सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक चर्चा के लिए तैयार हूं कि मुझे अंग्रेजों का एक कानून बताइए जो भारत और भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा को प्रमोट और प्रोपोगेट करने के लिए बनाया है। और उसी तरीके से आजादी के बाद वाले अंग्रेजों ने कोई एक कानून बनाया हो जो भारत, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय रीति रिवाज, भारतीय दर्शन को प्रमोट और प्रोपोगेट करने के लिए बनाया। इनफैक्ट भारत को बर्बाद करने के लिए जितने कानून अंग्रेजों ने बनाए थे लगभग उतने ही कानून आजादी के बाद वाले अंग्रेजों ने बनाए। उसमें से 25 से ज्यादा कानूनों को मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, मामले कोर्ट में चल रहे हैं। उदाहरण के लिए भारत का संविधान बना तो संविधान निर्माताओं ने कहा कि हम भाई स्वतंत्र हो चुके हैं तो एक काम करते हैं, संविधान के 22 पार्ट है, एक पन्ने पर उन्होंने राम, लक्ष्मण, सीता का चित्र लगाने का प्रस्ताव किया। हमारे अंग्रेजों को नहीं पता, अंग्रेज समझ रहे हैं, अंग्रेज आजादी के बाद वाले अंग्रेजों को, या खुल के बताने की जरूरत है क्या? बता दूं क्या? भगवान संविधान के एक पन्ने पे भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, भगवान संविधान के एक पन्ने पे भगवान महावीर की फोटो थी, भगवान संविधान के एक पार्ट के पहले भगवान बुद्ध की फोटो थी, संविधान के एक पार्ट के पहले छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह की फोटो थी। आप लोग महाराष्ट्र में बैठे हुए हैं,
अब आपको मैं बताता हूं उसकी बैकग्राउंड क्या थी फोटो रखने की। संविधान का पार्ट 15 इलेक्शन से रिलेटेड है, पॉलिटिकल पार्टियों का रजिस्ट्रेशन पार्ट 15 से ही निकलता है, हमें जो वोटिंग का राइट है वो पार्ट 15 से निकलता है। तो पार्ट 15 के पहले हमारे संविधान निर्माताओं ने दो लोगों की फोटो रखी, छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह की। मकसद क्या था कि पॉलिटिकल पार्टियां छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी के आदर्शों पर चलेंगी और वोटर यह देखेगा कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह के बिल्कुल आदर्शों पर ईमानदारी से फॉलो कर रही उसको वोट करेगा। लेकिन उसको निकाल दिया गया। संविधान के एक पन्ने पे हमारा गुरुकुल बना था, एक पन्ने पे नालंदा यूनिवर्सिटी बनी थी, एक पन्ने पे सिंधु घाटी सभ्यता बनी थी, एक पन्ने पे राजा भरत भगीरथ की फोटो थी, एक पन्ने पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फोटो थी, एक पन्ने पे रानी लक्ष्मीबाई की फोटो थी। लेकिन हमारे बाद वाले अंग्रेजों को पसंद नहीं था, उन्होंने सारी की सारी फोटो निकलवा दिया। आज के डेट में वो आप भारत के संविधान को ढूंढेंगे तो आपको वो फोटो नहीं मिलेंगे। जो ओरिजिनली प्लान किया गया वो संविधान में था। संविधान बनने लगा तो ये डिसाइड हुआ कि भारत का राष्ट्रगान क्या होना चाहिए। संविधान बनाते समय ये हुआ भारत का राष्ट्रगान क्या होना चाहिए, तो ज्यादातर लोगों का कहना था कि चूंकि पूरा का पूरा फ्रीडम मूवमेंट वंदे मातरम भारत माता की जैसे हुआ था तो लोगों ने भाई वंदे मातरम होना चाहिए, क्योंकि जनगण मन का हमारे फ्रीडम मूवमेंट में कोई योगदान नहीं था। इनफैक्ट साल में एक बार कांग्रेस का अधिवेशन हुआ करता था और उस कांग्रेस का अधिवेशन के पहले भी जनगण मन ही गाया जाता था, वो वंदे मातरम गाया जाता था। और वंदे मातरम भी 24 घंटे के अंदर कंपोज किया था बंकिम चंद चटर्जी ने, क्योंकि अंग्रेज यहां पे गॉड सेव क्वीन नाम से एक नेशनल एंथम इंपोज कर रहे थे, उसका विरोध करने के लिए उन्होंने वंदे मातरम किया। तो बहुमत चाहता था संविधान सभा में कि भारत का नेशनल एंथम वंदे मातरम होना चाहिए, लेकिन हो क्या गया, क्या हो गया, मेरी पीआईएल चल रही है कि वंदे मातरम के लिए बकायदा प्रोटोकॉल होना चाहिए। संविधान जब बनने लगा तो ये हुआ कि भी भारत का राष्ट्रीय झंडा क्या होना चाहिए, तो लोगों ने कहा भाई पूरा का पूरा आजादी का आंदोलन जो हुआ उसमें ज्यादातर जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे वो सर के ऊपर भगवा अपना वो बांध के रखते थे, तो हमारा झंडा जो होना चाहिए वो भगवा कलर का होना चाहिए, उसमें वंदे मातरम लिखा होना चाहिए। और ये झंडा डिजाइन किया भीकाजी कामा ने और सबने कह दिया हमारा झंडा भगवा होना चाहिए, लेकिन भगवे से इतनी चिढ़ थी कि भगवा झंडा भी नहीं हुआ, बाद में तिरंगा झंडा आ गया। नाम रखने की बात आई, आर्टिकल 1 में नाम क्या रखा जाए, तो मेजॉरिटी ने बोला भारत दैट इज हिंदुस्तान, भारत दैट इज हिंदुस्तान ये हमारा नाम होना चाहिए, कि नाम इसका दो रख लेते या भारत रख लेते और जो और चाहे उसको हिंदुस्तान करना। अनफॉर्चुनेटली इंडिया दैट इज भारत हो गया, ठीक है। आज की डेट में हमारे देश का दो दो नाम चल रहा है, इंडिया दैट इज भारत। ऐसे एक नहीं अनेक पाप हुए। 15 समितियों में से 12 ने बोला प्रधानमंत्री पटेल को होना चाहिए, 3 ने बोला, 12 ने बोला पटेल को होना चाहिए, 3 ने अपनी ओपिनियन नहीं जाहिर किया, और प्रधानमंत्री कौन बन गया, जिसके पक्ष में एक भी वोट नहीं, बाबा साहब अंबेडकर को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया, श्यामा प्रसाद जी को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया, गुलामी की मुगलिया जो स्कूल थे उनको प्रमोट किया, अंग्रेजों के जो स्कूल थे उनको प्रमोट किया, गुलामी की कुरीतियों और कुप्रथाओं को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है आर्टिकल 13 कि आप संविधान लागू हो चुका है यानी 26 जनवरी 1950 को, आज के बाद से कोई भी जो कुरीतियां कुप्रथाएं चल रही विदेश में वो बंद, जो विदेशी कुरीतियां कुप्रथाएं बंद होगी। अनफॉर्चुनेटली भारत में 3 तलाक, हलाला, मुता, मिस्यार, तहरुस, तलाके हसन, तलाके हसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया, ये आज भी चल रहा है। इन सब पे मेरी पीआईएल चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। भारत में बाकी तो छोड़िए, आप सब लोग जहाज पेपर बैठते होंगे, जहाज पे लिखा रहता है वीटी, वीटी का मतलब होता है विक्टोरिया टेरिटरी। मैंने उसको चैलेंज किया हुआ है कोर्ट में कि वीटी हटाया जाए, लेकिन अब वीटी हटाना मुश्किल हो गया क्योंकि बीटी किसी और ने ले लिया, भारत टेरिटरी
बीटी हुआ, अब बीटी किसी और ने ले लिया, शायद भूटान ने ले लिया उसको, तो बीटी ले लिया। अब भारत के पास उस समय अगर हमने हटाया होता, एक तो हमारे पास बीटी उस समय अवेलेबल था, भारत टेरिटरी में मिल गया होता, दूसरा उस समय हार्डली 100 जहाज थे, तो 100 जहाज की पेंटिंग करनी पड़ती, 100 जहाज का स्टिकर बदल देते, जहां जहां बीटी लिखा था उस पर एक नया स्टिकर चिपका देते, बीटी कर देते। आज की डेट में एक तो बीटी अवेलेबल नहीं है, और दूसरा 10,000 से ज्यादा जहाज हो चुके हैं, तो उनको 10,000 जहाजों को पेंट करना पड़ेगा बीटी से बीटी करने के लिए। तो समस्या कहते नहीं, बुखार जब हो अगर आप तत्कालीन दवाई ले लो तो 2 दिन में बुखार ठीक हो जाएगा, अगर आपने बुखार को लंबा छोड़ दिया तो हो जाएगा टाइफाइड, निमोनिया, चिकनगुनिया, कुछ भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे यहाँ काम हुए जो उस समय बहुत आसानी से हो सकते थे, आज तक उनको आर्टिकल 35 ए किसने जोड़ा भारत के संविधान में, आर्टिकल 370 किसने जोड़ा, 1860 का इंडियन पिनल कोड तो अब बदला गया है, 1872 का एविडेंस एक्ट अब बदला गया 150 साल के बाद। एक अंग्रेजों ने, जैसे मुगलों ने यहां पे अलग अलग जगह कब्जा किया, उसको अपने निजामों को बांटा, नवाबों को बांटा, ऐसे अंग्रेजों ने एक कानून बनाया 1894 में, उसका नाम है लैंड एक्विजिशन एक्ट, और उस कानून बना के उन्होंने पूरे भारत में सिविल लाइन बना दिया। यह कह के सिविल लाइन बनाया कि हमको कलेक्टर कप्तान का ऑफिस बनाना है, कलेक्टर कप्तान का ऑफिस बनाने के लिए मुश्किल से 10 एकड़ जमीन चाहिए होती है, लेकिन वो 100-100, 200-200 एकड़, 500-500 एकड़ एक्वायर करते गए, और 10 एकड़, 20 एकड़ तो मैं कलेक्टर कप्तान का ऑफिस बना दिया, बाकी पूरा का पूरा जमीन चर्च को दे दिया। तो आपको पूरे भारत में जहां जहां सिविल लाइन मिलेगी वहां वहां आपको 50% से ज्यादा जमीन किसकी होगी, चर्च की। अब उनकी 99 ईयर की लीज पूरी हो चुकी है, तो अब वो प्लाटिंग कर रहे हैं, अब सिविल लाइन की एक बिस्वा जमीन बेचते हैं तो 20-30 किलोमीटर दूर जाके 1 एकड़ जमीन खरीद लेते हैं, 5-10 बिस्वा सिविल लाइन की बेच दिया, बाहर जाके अपना 10-20 एकड़ खरीद लेते हैं। उनका सेल्फ सस्टेन मॉडल हो गया है, अब वो सिविल लाइन में प्लॉटिंग कर रहे हैं और पूरे देश में हॉस्पिटल बना रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, सब कुछ बनाते चले जा रहे हैं। ये इस भारत के साथ धोखा हुआ। तो आपने सुना कि मुगल और अंग्रेजों ने किस तरह भारत के साथ धोखा किया है, किस तरीके से अपने कानून लैंड एक्विजिशन एक्ट के नाम पर पूरे भारत में सिविल लाइन फैला दिया और भारत की जमीन हथिया कर चर्च बना दिया। और आपने ये भी जाना कि आखिर धर्म और मजहब में क्या अंतर है। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।